नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजीएस न्यूज 24। मैं हूं चंद्रशेखर मौर्य। डालते हैं इस वक्त की सभी खबरों पर एक नजर। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दिनांक 20 सितंबर को थाना महाराजगंज अंतर्गत सरदार बाजार में दुकान के विवाद को लेकर हत्या व दुकान में आग लगाने के प्रयास की घटना के संबंध में FIR नंबर 296/23, धारा 147, 148, 149, 302, 427, 436 IPC और 7CL एक्ट 5 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमों का गठन मेरे द्वारा किया गया था। 2 नामजद अभियुक्तों को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है। कल रात्रि SHO महाराजगंज की टीम के द्वारा 2 अन्य नामजद अभियुक्त प्रदीप गुप्ता और पंकज गुप्ता पुत्र दिनेश गुप्ता इनको गिरफ्तार कर इनके पास से अवैध शस्त्र व कारतूस बरामद किया गया है। आज सुबह लगभग 5 बजे 5वें मुख्य अभियुक्त पवन गुप्ता पुत्र दिनेश गुप्ता को चपरी पुलिया के पास पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से घटना में प्रयुक्त 32 बोर की एक पिस्टल बरामद हुई है। इसके दाहिने पैर में गोली लगी है। उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है, जहां इसकी स्थिति सामान्य है। अभियुक्तों ने पूछताछ के दौरान बताया है कि 1 वर्ष पूर्व विपक्षी द्वारा मारपीट की घटना की गई थी, जिसमें पुलिस के द्वारा FIR दर्ज की गई थी और विपक्षी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। उसी घटना का बदला लेने के लिए इसके द्वारा यह घटना कारित की गई है। अग्रिम विश्लेषणात्मक कार्रवाई SHO महाराजगंज और उनकी टीम के द्वारा की जाएगी।